अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेस्ट करने लगे हैं 9th क्लास का, और सब्जेक्ट हमारे पास है जी तर्जमा कुरान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस सूरत का कुछ हिस्सा मदनी और कुछ मदनी है? कुछ हिस्सा मदनी और कुछ मक्की है। सूरह हज का। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ मैं आपके सामने मैंने स्क्रीन शो की है, जिस जो MCQ शो कर रही है, और MCQs के बाद हम करेंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके आंसर भी अवेलेबल हैं इधर जो आपको स्क्रीन पे शो नज़र आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके MCQs भी हैं, मुख्तसर सवालात को हल भी किया हुआ है, तो वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इधर से अगर पढ़ेंगे, एक दफ़ा पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे, तो 1 घंटे में तकरीबन आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये तो वीडियो तो वैसे 5-7 मिनट की होगी, तो आप इसको 1 घंटे में पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहले MCQs मैंने पढ़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इधर आपको नज़र आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस सूरत का कुछ हिस्सा मदनी और कुछ मक्की है? सूरह हज का। हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाली सूरत का नाम सूरह फुरकान। फुरकान का मतलब भी यही होता है, फ़र्क करने वाली। अहकाफ का मतलब है जी रेत के टीले। कुरान मजीद के मुताबिक दुश्मनों की तमाम तर मुखालफत के बावजूद गालिबाना है इस्लाम को। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि नसीहत है। सूरह मरियम एक सूरत है मक्की। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो सूरत सुनकर मुसलमान हुए। कौन सी सूरत? सूरत ताहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अहम है, आसान भी है। तो ये पेपर मेरे ख्याल पे, जो मेरे पास मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये पेपर्स, सारे स्टूडेंट्स से मैंने यही सुना है कि ये पेपर बहुत आसान है, और उन्होंने तैयारी भी इन्हीं से की हुई है, पास्ट पेपर से। तो ये 2023 के हैं तकरीबन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब है खलीलुल्लाह। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और अबू अल बशर, अबू अल बशर। ये आप बताएं कि इस ये किन कौन से नबी का ये लकब है। हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को, और खालिसतन अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए, और हर वक्त अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए मुश्किलात में। लेकिन हमारे लोग, अल्लाह ताला हिदायत दें हम सबको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुशरकीन ने मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे फरिश्तों को। डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है MCQ। नेक्स्ट आ गया। हबशा के हुक्मरान का लकब था नजाशी। हमें मुश्किलात में दोबारा देखें, रिपीट हुआ है। सूरह फुरकान में लफ्ज़ फुरकान करार दिया गया है कुरान मजीद के लिए। अल्लाह ताला ने दौलत, हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। और आपके इलम में होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानदारों पर, चरिंदों परिंदों पे, जिन्नों पे, हवा पे, सब पे जो है ना, वो अल्लाह ताला ने इनको बादशाही दी थी, हुकूमत दी थी। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे में नबी को, ये हजरत सुलेमान सलाम को जो है वो क्या किया, बादशाही दी थी। तो आला सिफात और पाकीज़ा वो बुलंद किरदार की वजह से अपनी कौम में मशहूर थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप मुझे इस MCQ का आंसर इसका बताइए। एक आपसे पूछता हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो कौन सी मस्जिद थी जो जिन्नों से बनवाई थी, इसका आपने मुझे आंसर बताना है। तो डियर, देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, हज़रत लुकमान कायल थे तौहीद के। लुकमान वो हकीम, जो लुकमान हकीम थे, उनका जो मिसालें भी दी की जाती हैं। कौमे सबा आबाद थी यमन में। कुरान मजीद का दिल है सूरह यासीन। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं जन्नत में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रूहुल्लाह, खलीलुल्लाह। अभी हमने देखा था हज़रत इब्राहिम, किसका देखा था ऊपर, कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त कौन थे, ये अभी देख लेते हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ठीक ठीक मैं सही कह रहा था। तो नेक्स्ट देखें, आप भी सही कह रहे थे, नाराज़ नहीं होना किसी ने। सूरह शोरा की आयात की तादाद 227। सूरह कसस की आयत नंबर में लफज अल कसस आया है 25 दफ़ा। पहले हिजरत में लोग शामिल थे 15। तो ये डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, तो इसलिए मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप वीडियो को रोक रोक के, थाम थाम के, और इसको पढ़ सकते हैं, अपने दिलों को थाम थाम के भी इसको आपने पढ़ना है। तो देखें ज़रा, इलम बर तरन है तकबुर। देखें ये सूरह फातर का दूसरा नाम सूरह मलाइका।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब, ये गलत लगा सॉरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब रूहुल्लाह है, तो ये मिस्टेकनली बच्चों से लग गया होगा। और ये देखिए सूरह नमल के आखिरी दो रुकुओं में तब तज़किरा है अकीदे आखरत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर मरूफ एम सी क्यूज़ हैं, पेपर में आए हुए हैं, आने वाले हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। ये भी है कुरान मजीद किस जबान में नाजिल हुआ? अरबी में। क्यों नाजिल हुआ? ये आपने अंग्रेज़ी की बुक में पढ़ा हुआ है। कारून का ताल्लुक था बनी इसराइल से। ये देखिए ये दफ़ा दोबारा रिपीट हुआ है एम सी क्यूज़। ये देखें हज़रत लुकमान ने अपने डैश को नसीहत की बेटे को, यासीन में बयान है ईमान का। खलीलुल्लाह लकब, ये बार बार रिपीट हो रहा है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो मे बी कल भी रिपीट हो जाए आपके फेवर में। देखते जाएं देखते जाएं। नमल के माना है च्योंटी, ये सूरह नमल है, असल और हमेशा रहने वाली नियमतें जन्नत में है। तो ये थे सुनने हमारे पास एम सी क्यूज़। अभी चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट्स भी हैं लॉन्ग भी हैं। दर्जा में से किसी तीन अज्जा का मुहावरा उर्दू में तर्जमा लिखे, ये डियर स्टूडेंट्स आपने देखना है, उर्दू में तर्जमा लिखना है। और ये आपने ऑप्शन नहीं देखने, ये तो वैसे ही आ गए। ये देखें मुख्तसर सवाल, अबशा के लोग कैसे मुसलमान हुए? मुसलमानों की पाक ज़िंदगी से मुतासर हुए, कई लोग उनकी दावत से मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वाले ने हबशा का वासी निशाशी भी था, तो मुसलमानों की पाक ज़िंदगी से मुतासर हुए। तो आज हम देख सकते हैं अपने मुसलमानों की ज़िंदगियां कैसी हैं, पाकीज़ा हैं या फिर कैसी हैं। तो ये फिर इनके नतज भी हम देखते हैं, भुगत रहे हैं कि जगह जगह मुसलमानों को रसवाई और तजलील हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत और ईमान की रोशनी से मुनव्वर इनके दिल फरमाए, और हमारी मुसलमानों की जहाँ जहाँ परेशान है, जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनको जुल्म से आज़ाद करे, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को चाहिए कि उनकी मदद करें। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ये इस बात की जो है वो किसी तरीके से इसके दिल मुसलमानों के दिल में डाल दे कि ये हमें मुसलमानों की फ़लस्तीनियों की भाइयों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता देखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह अंबिया की रूह से चलते हैं अपने, ये देखें क्वेश्चंस हैं, ये पेपर्स में आए हुए हैं, तो डियर्स ये अहम है इसीलिए पेपर्स में आए हुए हैं, तो इस आप भी अगर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो आपने इनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें पेपर्स ख़त्म होने वाले हैं, बस ये जो मतलब मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ इस पर भी आंसर क्वेश्चन कम्प्लीट होने वाले हैं। देखें देखें डियर स्टूडेंट्स, देखें देखें देखें, पीछे देखो पीछे, आगे देखो आगे, ऊपर देखो ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखो, देखें देखें देखें, जल्दी देखें भाई, इनको रोकें, इनको पढ़ें पढ़ें। आपका पेपर है कल, पेपर है कल, पेपर लें जी। आखिरी सफ़ात चल रहे हैं इस वीडियो के, पीडीएफ के। आई एम सॉरी टू सेड एट द वीडियो इज़ अबाउट 10 मिनट्स, 10 नहीं बल्कि 11 मिनट्स लॉन्ग हो चुकी है। ले जी ये आपका जो पीडीएफ है ये भी कंप्लीट हुई। डियर्स आपने इनको अच्छे से कर लेना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल आपका पेपर बेहतरीन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार आए हुए, सूरह फुरकान का तारुफ, मज़ामीन, 4 इल्मी व अमली नकात तहरीर करने हैं, ये देख लेना है। पेपर पैटर्न भी इसी में है, 2023 में मतलब इन प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड के पेपर्स हुए हैं उनमें ये पेपर्स आए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न भी क्या होता है, कितने एम शॉर्ट्स होते हैं या कि 10 MCQs होते हैं, और शॉर्ट्स ये आपके पास कितने हैं जी, 8 हैं, यानी 5 करने होंगे आपने। ये देख सकते हैं जी, ये लिखा है कोई से 5 5 करने के बाद आपने ये
कैसे तहरीर है जी, ये कुरानी अल्फाज हैं, इनके आपने माने तहरीर करने हैं। क्वेश्चन फोर है, इनमें से कुछ आयात दी हुई गई हैं, एल अलफ बे और ये जीम। तो डियर्स ये उर्दू इनका क्या करना है, तीन अज्जा का पांच दिए हैं, इनमें से तीन अज्जा का बा मुहावरा उर्दू में तर्जमा लिखना है, तहरीर करना है। तो ये आपने कर लेना, अलिफ बे जीम दाल हे, पांच हो गए। क्वेश्चन फाइव होगा, दर्जा में से किसी एक मौजू पर नोट लिखें, तो आपने इसको भी करना है। उसके बाद अलफ हो गया, बेच का सुल्फात का तारा मजामी और चार इलमी अमली निकाह तहरीर करने हैं। और इसके बाद ये देखिए हिस्सा तफसीली सवाल, तो ये नहीं बस इधर तक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो डियर्स खूब तैयारी करें, दिल लगा के तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर विच इज़ ऑफ तर्जमा कुरान तदरीसुल कुरान। तो इस दुआ में याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाबी से सरफराज ज़रूर करेंगे, अल्लाह वाहदा सुबहाना ताला। तो डियर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ।